स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल कम से गीता। तो बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि मैम कब सामने आए और आपको पढ़ाए। तो बाकी आज हम जो बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी का सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि यूपी टीजीटी का जो सिलेबस है वो तो सभी लोग जानते हैं, टॉपिक्स भी जानते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बनेंगे, इसी बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो सिलेबस बनाया है वो ऐसे नहीं सिलेबस बनाया है, वो कम से कम 10 ईयर्स में जो पेपर हुए हैं, 10 ईयर्स के बीच में जो पेपर्स हुए हैं उसी का ही एनालिसिस करके ये पेपर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन जो टॉपिक है वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। जो टॉपिक है वो आपका पहला, सबसे पहले हम लेकिन उससे टॉपिक बढ़ने से पहले यहाँ पे ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। जो यहाँ पर जो ग्राफ बनाया है आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि 2011 से 2013-16, मतलब ये कह सकते हैं कि 2011 से 2021 यानी कि पूरे 10 ईयर्स का जो पेपर है वो यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो है आप लोग को बता देते हैं, ये जो इंडियन आर्ट में देखते हैं, इंडियन आर्ट में सबसे ज्यादा ग्राफ सबसे ज्यादा ऊंचा इसी का ही रहता है। बस ये है कि किसी में कभी मतलब 2011 में कम से कम 50 से 55% पूछा ज्यादा था, मतलब ये समझ लिए कि आपका आधे से भी ज्यादा, यानी कि जो 125 का जो मतलब क्वेश्चंस होते हैं उससे मतलब आधे ज्यादा, मतलब 60 क्वेश्चन तो इसी के आ जाते थे। लेकिन थोड़ा सा यहां पर फिर ग्राफ थोड़ा सा गिरने लगा जैसे जैसे यहां पर आया, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। फिर यहां पर 2016 में भी तब भी ज्यादा आया था, बाकी 2011 में भी उससे भी थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन फिर लेकिन ये ओवरऑल की अगर हम बात कर दें, पूरे ओवरऑल की बात कर दें, तो इंडियन आर्ट सबसे ज्यादा आता है इसमें। अब यहां पर बहुत सारी चीजें ऐड कर दी गई हैं, उसी वजह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फिर तैयार करना पड़ता है, सिलेबस भी बड़ा हो जाता है। तो इंडियन आर्ट तो आप लोग को तो पूरा तैयार करना है, उसमें तो आना ही आना है। बस उसमें तो कम से कम 40 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 45 भी आ सकते हैं, 50 तक मान के चलो कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी ये रही यहाँ पर इंडियन आर्ट। फिर दूसरे नंबर पर जो आता है वो इंडियन आर्टिस्ट आते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग ग्राफ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 2011 में कितना बड़ा ग्राफ आया था, यानी कि 10 से 15% पूछा जाता है, कभी 15 से 20 हो जाता है, कभी 35 से 40 हो जाता है। 2016 में तो बहुत सारे आर्टिस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बस ये है कि इंडियन आर्ट से कम पूछे जाते हैं, यानी कि जो सबसे बड़ा ग्राफ रहता है वो इंडियन आर्टिस्ट से रहता है, वो सॉरी इंडियन हिस्ट्री से रहता है। ठीक है, मतलब इंडियन आर्ट हिस्ट्री से रहता है। बाकी यहाँ पर बात करते हैं वेस्टर्न आर्ट। तो वेस्टर्न आर्ट फिर तीसरे नंबर पर आता है। फिर वेस्टर्न आर्ट आपको पढ़ना है, मतलब ये तीन टॉपिक तो आप लोग इतने सॉलिड बना लो कि आप लोग का सिलेक्शन तो बिल्कुल निश्चित हो जाए। ठीक है, बाकी हम यहाँ पर सिलेबस में बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा। बाकी यहाँ पे है ग्राफिक। तो ग्राफिक है, ग्राफिक भी बहुत अच्छा है क्योंकि ग्राफिक में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसमें भी क्वेश्चंस हैं। बाकी यहाँ पर जो लास्ट की अगर हम बात करें, कम से कम 10 से 15% आता है, और यहाँ से 10 से 15% में आता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कम से कम एक एक नंबर, कभी कभी एक नंबर पूछ लिया जाता है, कभी दो नंबर पूछ लिया जाता है, इसमें अलग अलग तरीके से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आर्ट सीरीज हो गया, आर्ट स्कूल हो गया, कला अकेडमी है मतलब कला आंदोलन है, आर्ट गैलरी है, और यहाँ पे यही सब है, ट्रेंडिंग आर्ट मैगजीन हो गया, और यहाँ पर वाहन जो होते हैं जैसे कि देवी देवताओं के वाहन। ठीक है, तो आर्ट ग्रुप्स हो गए, अवार्ड्स हो गए कि कितने हैं, जो बुक्स हैं, पुस्तक के नाम, पुस्तक पत्रिका, यही सब आती हैं जो अलग अलग मैंने इसको यहाँ पर लिख रखा है। कम से कम एक नंबर, कभी एक नंबर पूछ जाता है, कभी दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यही टॉपिक रहते हैं, ये जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं यही टॉपिक पूरे के पूरे रहते हैं। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो कि आप लोग देख रहे हैं भारतीय कला का इतिहास, ये जो अभी मैंने आप लोग को बताया था कि सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि ये कम से कम 40 से 45 से लेकर 50 तक पूछे जाते हैं, और ये तो जानते हैं कि मतलब आपका जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होता है। तो बाकी तो इतना जानते हैं, बाकी नंबर्स की बात नहीं याद करते हैं, बंदम नंबर्स की बात नहीं बात करते हैं, बाकी हम टॉपिक्स की बात करते हैं कि कौन से नंबर के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी यहाँ पर इनटू मैंने लगा रखा है क्योंकि ऑप्शन वाले होते हैं, जब ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने आधा क्वेश्चन गलत करा है तो कम से कम 2 नंबर मिलेंगे, अगर 4 नंबर का है तो 4 नंबर का पूरा ही जाएगा, गलत है तो गलत है, तो 4 नंबर का तो बिल्कुल 0 मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। बाकी अगर हम बात करते हैं पहला टॉपिक प्रागैतिहासिक काल। अब देखो प्रागैतिहासिक काल में क्या है कि प्रागैतिहासिक काल में, अब यहाँ पर तो टॉपिक मेंशन नहीं करे हैं क्योंकि इतना ही काफी है कि प्रागैतिहासिक काल के मतलब पूरा ही पढ़ना है, चाहे आपके खोजकर्ता हो, स्थान हो, या फिर यहाँ पर गुफाएं हो, या फिर नदी हो, पहाड़ हो, कोई कुछ भी हो, यहाँ पर आपको याद करना है, या फिर आखिर के चित्र हो वो भी याद करना है। बाकी अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर है सैंधवकालीन। सैंधवकालीन में भी पूरा आप लोग को तैयार करना है। बाकी यहाँ पर है 3rd नंबर वैदिक काल है, फिर यहाँ पर 4 नंबर है गुफाओं की कला है,
है, गुफाओं की कला में अजंता, जोगीमारा बाग, सित्तनवासन, सिगिरिया, ये सब आप लोग को पढ़ना है। बाकी यहाँ पर बात करते हैं मध्यकालीन कला है, तो मध्यकालीन में जितनी भी कलाएं हैं वो आपकी चाहे पाल शैली हो, जैन हो, मालवा हो, जितना भी है वो आपको पूरा पढ़ना है। बाकी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो टॉपिक है मुगलकालीन चित्र राजस्थानी और मतलब ये कह सकते हैं कि लघु जो आपकी कला है, यानी कि मुगल से, यानी कि मान के चलिए कि पाल शैली से लेकर पूरा कंपनी शैली तक जितनी भी लघु कलाएं हैं वो आपको सब तैयार करनी है। ठीक है, तो ये तो रहे टॉपिक यहाँ पर भारतीय कला के। ठीक है, तो ये तो पूरे टॉपिक मैंने बता दिए हैं, पूरा आप लोग को पढ़ना है। कालीघाट, तंजौर, ये सब आपको पढ़ना है। पटकला जो है, और यहाँ पर जो है मतलब जो पट शैली है, ये सब पढ़नी है। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जो टॉपिक आप लोग को दिख रहा है कलाकार और मूर्तिकार। ये तो अभी हमने बात कर दी कहाँ पर, किसकी, भारतीय कला की बात कर दी। तो भारतीय कला में जितना भी आपको मैंने बताया है वो तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के ये है कि आप लोग की मेरिट हाई कर सकते हैं। अगर आपने इंडियन आर्ट है अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार करा है तो आप लोग के मेरिट को हाई कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आर्टिस्ट की, बात करते हैं जो दूसरे नंबर पर आता है सबसे ज्यादा नंबर। ठीक है, तो ये कम से कम 45 तक मान के चलिए कि इंडियन आर्टिस्ट, वो इंडियन आर्ट से आना ही आना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कलाकार और मूर्तिकार। तो कलाकार, मूर्तिकार, छापाकार है, फोटोग्राफी और कार्टूनिस्ट है। तो यहाँ पर कम से कम पूछ लिए जाते हैं, इसमें है कम से कम टोटल मार्क्स है 28 से 32, यानी कि 28 से लेकर 32 यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इंटू 4 तो लगा ही दिया है। बाकी अगर हम बात करते हैं विधि है, चित्र है, माध्यम है, इवन संग्रहालय भी है। ठीक है, तो ये सब पूछे जाएंगे। और साथ साथ में ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, कि क्योंकि ऐसी बुक तो आती नहीं है कि कहीं में विधि दिए हों, किसी में चित्र दिए हों, सब तो मिक्सर आता है, तो कहीं कहीं एक टॉपिक से तैयार नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर एक एक टॉपिक जिस तरीके से मैंने सिलेबस बताया है उसी तरीके से यहाँ पर पूरी तैयारी करा रहे हैं। कोई भी बाकी आपका पेड वेट कुछ भी क्लास नहीं है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर सब लोग ज्वाइन हो सकते हैं, इसके बारे में बाकी हम बाद में बताएंगे। बाकी यहाँ पर है जो टॉपिक है बंगाल स्कूल के कलाकार हैं, सारे पढ़ने हैं, जितने भी बंगाल के कलाकार हैं वो सब पढ़ने हैं। दूसरा टॉपिक है यहाँ पे आधुनिक कलाकार, आधुनिक कलाकार के बारे में भी पढ़ना है, पूरा पढ़ना है आप लोग को। आधुनिक कलाकार सब लोग जानते होंगे कौन कौन से हैं। बाकी यहाँ पर है नेक्स्ट जो है मूर्तिकार, तो मूर्तिकार है यहाँ से, ये भी पढ़ना है। बाकी यहाँ पर है छापाकार, छापाकार भी बहुत सारे आते हैं, तो इसके बारे में पढ़ना है। बाकी यहाँ पे है कार्टूनिस्ट, और ये सब जो नंबर आते हैं कम से कम मान को चलो कि मूर्तिकार है, मूर्तिकला के जैसे मूर्तिकार है, कम से कम 10 क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं। ऐसे छापाकार है, छापाकार में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस आ जाते हैं। कार्टूनिस्ट है, कार्टूनिस्ट में कम से कम 2 से 3 मान के चलो इतने क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन तैयार तो पूरा ही करना पड़ेगा, वैसा तो है नहीं कि 2 से 3 नंबर आते हैं तो 3 ही क्वेश्चन तैयार करने हैं, तैयार तो पूरे करने पड़ेंगे। और फोटोग्राफर है, तो फोटोग्राफर में कम से कम मान के चलिए कि 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस यहां से भी आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे संगीतकार। तो संगीतकार ऐसे नहीं है जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कला और संस्कृति। कला और संस्कृति में जैसे कि आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर जैसे लोक नृत्य हो गया या फिर कोई भी हो गया, इसके बारे में लोक कलाएं तो पूछी ही जाएंगी। बाकी यहाँ पे संगीतकार हैं, तो संगीतकार से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे कलाकार हैं जो संगीतकार हैं, या फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन अभिन्न है, यहाँ पे असंबंध है, कुछ ऐसे हिस्से करके पूछ लिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, तो यहाँ पर कौन से असंबंध है, ये चीज़ आप लोग को बाकी यहाँ पर तैयार करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर करिएगा। बाकी यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी नेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर नाटककार। तो नाटककार के बारे में भी पूछ लेता है, नाटककार हैं तो नाटककार भी आप लोग को तैयार करना पड़ेगा। संगीतकार ये मान के चलो कम से कम 1 से 2 नंबर के यहाँ से भी आते हैं, 1 से 2 नंबर के यहाँ से भी आ जाते हैं, ऐसे करके आ जाता है। बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं समकालीन कलाकार। समकालीन कलाकार से तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मान के चलो कम से कम 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, मतलब 10-15 क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है, मार्क्स नहीं। बाकी यहाँ पर है कलाकारों के, यहाँ पे 10 से 15 नहीं, मतलब समकालीन कलाकार से मान के चलिए 5 से मतलब 6 से 8 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। अब हम बात करते हैं कलाकारों के प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है, तो कम से कम यहाँ पर भी मान के चलिए कि जो है, हाँ, यहाँ पर जो है कलाकारों के प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है, तो यहाँ पर भी इसके भी टॉपिक अलग अलग कराए हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग को कहाँ से मिलेंगे, एक एक टॉपिक मैंने भी कराए हैं, अभी थोड़े बहुत टॉपिक रह गए हैं जो नहीं कराए हैं, बाकी यहाँ पर पूरा कराया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। रूपरद कला के मूलाधार और सौंदर्य शास्त्र, ये रहा आपका फंडामेंटल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कला के अंग पढ़ना है, तत्व पढ़ना है, सिद्धांत पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। बाकी यहाँ पर बात करते हैं
कि जो टोटल मार्क्स हैं तो वो कितने आएंगे यहाँ पे। कम से कम मान के चलिए 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, कभी 10 भी हो सकते हैं, कभी 12 भी हो सकते हैं। इसका कोई वो नहीं है कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ जाएं, तो मतलब ये तो आपका आना ही आना है। बाकी अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं मूर्ति कला और तकनीक की बात करते हैं, मूर्ति कला यानी कि जो है इनका माध्यम है बनाने का वो सब है, जैसे कि यहाँ पर कास्टिंग हो गया, कार्विंग हो गया, मॉडलिंग हो गया, ये सब इसके बारे में बात करेंगे। बाकी यहाँ पर मैंने मूर्ति कला की तकनीक भी करवाई हुई है पूरा है। बाकी यहाँ पर ये टॉपिक से आते हैं कम से कम मान के चलो। अब देखो यहाँ पर एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचो कि ये छोड़ दें तो ये अच्छा रहेगा, आज का टाइम बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ हो गया है कि यहाँ पर कोई भी टॉपिक आपका छोड़ना बिल्कुल व्यर्थ है, नहीं तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। इसीलिए आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, आपको सभी टॉपिक पढ़ने हैं। मूर्ति कला तकनीक है, मूर्ति कला तकनीक में देखो क्या कम से कम मान के चलो 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। बाकी यहाँ पर कास्टिंग का भी पूछ सकता है, कार्विंग से रिलेटेड पूछ सकता है, मॉडलिंग से रिलेटेड भी पूछ सकता है, यानी कि मूर्ति बनाने की जो तकनीक है उससे क्या क्या है। बाकी यहाँ पर मूर्तियाँ भी पूछ सकता है कि कौन सी मूर्ति कौन सी धातु से बनी है या फिर कौन सी तकनीक से बनी है, कि कहाँ की ये मूर्ति है, मतलब ये है मूर्ति कला से तकनीक के बारे में ही पूछेगा सिर्फ, ठीक है। बाकी यहाँ पर है टोटल मार्क्स, मैंने आपको बता ही दिया है कि कितने आएंगे। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं स्थापत्य और वास्तुकला, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि हाँ कौन से क्वेश्चन से कौन से स्थापत्य, स्थापत्य तो इंडिया है, भारत है, तो भारत है, तो पूरा कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा स्थापत्य। अगर याद करना चाहो तो बहुत सारे स्थापत्य हैं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट्स हैं वो सब यहाँ पर कराया हुआ है। बाकी हम बात करते हैं वास्तुकला, तो वास्तुकला में यहाँ पर शैली और यही सब देखेंगे, ठीक है। तो बाकी हम बात करेंगे यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है कम से कम 2 से 3 यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन, हो सकता है 5 भी हो सकते हैं, हो सकता है 6 भी हो सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है कि कितने क्वेश्चंस आए। बस ये मैंने आपको ग्राफ में इसीलिए बताया है कि सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा वो इंडियन आर्ट से पूछा जाएगा, फिर उसके बाद इंडियन आर्टिस्ट है, फिर उसके बाद वेस्टर्न है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है भारतीय ऐतिहासिक चित्रकला और मूर्तिकला, बौद्ध स्तूप और मंदिर, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, चित्रकला है, मूर्तिकला है, बौद्ध स्तूप है, मंदिर है, इसके बारे में भी यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि मौर्यकाल, शुंगकाल, कुषाणकाल, ये सब यहाँ पर देखने हैं। इसके यहाँ पर कम से कम मान के चलो कि कम से कम 2 से 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, इसका भी कोई भरोसा नहीं। बस ये है कि उनसे कम आता है इंडियन आर्टिस्ट से, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं ग्राफिक और छापा कला, तो ग्राफिक और छापा कला के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो है वो आपको तैयार करना है, तो यहाँ पे कम से कम 3 से 5 नंबर के आते हैं। इसमें भी सेम वही है कि 5 से 6 ऊपर नीचे इसमें हो सकता है, कम से कम मान के चलो कि हर टॉपिक से जो अभी तक बताया है उसमें 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस, मतलब 5 से 6 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर है नेक्स्ट है पाश्चात्य कला यानी कि वेस्टर्न आर्ट, तो वेस्टर्न आर्ट जो है इसमें कम से कम मान के चलो कि कम से कम 8 से 10 नंबर का आते हैं, यानी कि तीसरे नंबर पर जो आता है वो आपका आता है वेस्टर्न आर्ट। ये 3 टॉपिक तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। पहला है इंडियन आर्ट है, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, पहला कौन सा है इंडियन आर्ट है, दूसरा है आपका जो इंडियन आर्टिस्ट है, तीसरे नंबर का है वेस्टर्न आर्ट। ये 3 टॉपिक जो है वो पूरा एकदम UPTGT का सिलेबस में, तो ये तो मान के चलो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं ये 3 टॉपिक। इन 3 टॉपिक को तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो टॉपिक है वो कौन से हैं पाश्चात्य कला में, प्राचीन विश्व की कला है, मेसोपोटामिया है, और यहाँ पर मध्य युग की कला है जिसमें ईसाई, गोथिक कला और बाइजेंटाइन, ये सब देखना है। बाकी यहाँ पर है कला आंदोलन है जैसे कि बरोक, रोकोको, ये सब देखना है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि कौन सा है यहाँ पर पाश्चात्य कलाकार जो सबसे ज्यादा आते हैं, कम से कम मान के चलो 5 से 6 यहाँ पर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कम से कम ये है, मतलब ये है 5 से 6 हो सकते हैं, 3 से 5 भी हो सकते हैं, कम से कम मैंने लिख रखे हैं कि हाँ कम से कम यहाँ पर इतने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, बाकी यहाँ पर है पाश्चात्य पेंटिंग्स हैं और मूर्तियाँ हैं, तो जैसे कौन से बहुत सारे कलाकार होते हैं इसमें है पाश्चात्य कलाकार भी बता रही हूँ, कुछ चित्रकार भी पूछ सकते हैं, कुछ मतलब जो है मूर्तिकार भी पूछ सकते हैं, कुछ जो है पेंटिंग्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद करना है। बाकी यहाँ पर है ये भी कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है लोक कला, तो लोक कला में बात करते हैं, तो लोक कला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें कम से कम 2 से 3 नंबर के आते हैं। बाकी यहाँ पर विज्ञापन कला है, विज्ञापन कला भी कम से कम मान के चलिए 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं, ये आपका वो है कि कम से कम देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आते हैं। बाकी यहाँ पे पूछा ही जाता है, ये टॉपिक जो बता रही हूँ वो आने ही आने हैं,
एक भी टॉपिक इसीलिए मिस मत करना, सब पढ़िएगा। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे कला अकादमी। तो कला अकादमी में जितने भी ललित कला अकादमी है ये सब आपको पढ़ना है, जो है राष्ट्रीय कला अकादमी, बाकी जो है यूपी का जितना भी है वो सब पढ़ना है। बाकी कला दीर्घाएं है ये, ठीक है, तो यहाँ पर दीर्घाएं लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे कला संग्रहालय ये सब पढ़ना है, जितने भी संग्रहालय है, कला स्कूल है, कला स्कूल के बारे में पढ़ना है, जैसे मद्रास कला, बॉम्बे, जितने भी स्कूल है यहाँ पर जितने भी कला से रिलेटेड है वो सब आपको यहाँ से पढ़ना है। कौन सी स्थापना कब हुई है, कौन इसका प्रिंसिपल है, कौन क्या है, ये सब आपको पढ़ना है, अध्यक्ष और ये सब, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपका। बाकी यहाँ पर बात करते हैं पुस्तक और रचनाकार। तो पुस्तक और रचनाकार में भी देखना है, इसमें कम से कम 2 से 3 मार्क्स ही यहाँ पर भी आते हैं। बाकी यहाँ पर बैक नेक्स्ट की बात करते हैं पत्र और पत्रिका। तो पत्र और पत्रिका से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कम से कम मान के चलो 2 से 3 भी हो सकते हैं, कभी कभी तो 4 भी आते हैं, कभी कभी 5 भी आ जाते हैं। वैसे तो यहाँ पर पूरा एनालिसिस करके मैंने पूरा ही पेपर बनाया है, आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा अगर पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा है आप लोगों ने। बाकी अगर बात करते हैं यहाँ पर सम्मान और पुरस्कार, ठीक है, तो यहाँ पर जो सम्मान और पुरस्कार की बात करते हैं तो ये भी है, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सब आते हैं। कम से कम यहाँ पर मान के चलो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, कम से कम मान के चलो 2 से 3 नंबर के तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लास्ट जो है आपका विविध, जो 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, कम से कम मान के चलो 5 से 6 नंबर का। अब विविध में क्या क्या आएगा ये आपको बताते हैं। विविध में जैसे कि आप मान के चलिए कि हो सकता है कि आपका जैसे कि कोई भी समाचार पत्र हो तो उसके बारे में पूछ सकता है, या फिर आपका जो भी हो अभी करंट में उसके बारे में पूछ सकता है, या फिर अभी आपका जो है कला और संस्कृति, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, उसके बारे में पूछ सकता है कि यहाँ पर कौन से, यहाँ पे कोई भी है, बस यही सब पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज रहा है, आपको पूरा मैंने सिलेबस पूरा बता दिया है, आप इसी के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करी है तो आप लोग का बहुत अच्छे से लर्न होगा, बहुत अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी और आपको पढ़ने में हेल्प भी रहेगी, क्योंकि टॉपिक के अकॉर्डिंग आपने अगर पढ़ा है तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन 100% है, क्योंकि एक सभी टॉपिक पढ़ेंगे और सभी टॉपिक को आपने तैयार कर लिया है तो आपका तो क्वेश्चन छूटने का कोई भी गारंटी नहीं है कि आपका कोई क्वेश्चन भी छूट जाए। बस ये है कि कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो सभी के रह जाते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन पूरी कोशिश यही रहेगी कि हाँ कि आप लोग का बाकी यहाँ पर पूरा सिलेबस, अगर हम सिलेबस की बात करें कि ये क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स तो आपके बुक में तो कोई भी नहीं होते हैं, लेकिन मैंने पूरा उसको अच्छे से क्वेश्चंस करा है और आप लोग को बहुत अच्छे से उसका कराया है। बाकी तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं ही ज्वाइन, तो सभी लोग जानते ही हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस का जैसे मैंने बताया है उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा जो है वीडियो, मतलब जो है आपकी क्लास करवाई है। बाकी अगर हम क्लास के टाइम की बात करें तो क्लास की टाइमिंग भी आप लोग को बता देते हैं, बाकी जितना हो सकता है अच्छा उतना करने की कोशिश करती हूँ। 2 PM है और 7 PM अभी तो क्लास जो चलती है वो 2 PM और 7 PM क्लास चलती है, जिसमें 2 PM में हम मॉक टेस्ट कराते हैं। तो मॉक टेस्ट तो अभी आपका जो है वो फिनिश हो चुका है, बाकी यहाँ पर मॉक टेस्ट को जो है वो हम 10 o'clock कर देंगे, ठीक है, जो है 10 o'clock कर देंगे जो मॉक टेस्ट है, ठीक है। या तो आप लोग का जैसे भी टाइम जैसे भी आप लोग का रहा उससे आप लोग को पूछ कर देंगे, इसका यहाँ पर हटाएंगे। जो 2 PM वाला है उसमें हम जो कराएंगे वो कराने वाले हैं टॉपिक वाइज, क्योंकि स्टार्टिंग से ही इसीलिए मैंने सिलेबस ही बताया है, तो टॉपिक वाइज इसमें कराएंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज में जितना भी है वो पूरा प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट कराएंगे और प्रागैतिहासिक काल से जैसा मैंने आप लोग को सिलेबस बताया है उसी के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट कराएंगे और पूरा टारगेट रहेगा कि पूरा कम से कम टारगेट मान के चलिए 2 महीने में ये पूरा खत्म कर देंगे और बहुत अच्छे से डिटेल्स के साथ, बहुत अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने की संभावना हो, पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा 2 महीने के अंदर। बाकी तो मैंने यूथ कम से कम मान के चलिए कि 3 से 4 बार पूरा खत्म करवाया है, कम से कम 11,000 क्वेश्चन थे और पूरा कम से कम 3 से 4 बार खत्म करवा चुकी हूँ। और ये बच्चे भी जानते हैं, जो स्टूडेंट हैं वो जो ज्वाइन हुए हैं वो तो सब जानते हैं कि यहाँ पर कितना अच्छा कराया है। बाकी सभी लोग इससे बात से सहमत हैं, सभी लोग को खुश हैं, बस ये है कि हाँ बस आप लोग सेटिस्फाइड हो। बाकी अगर आप लोग को और भी अच्छा ज़्यादा चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ इस पर वीडियो बनाइए, बाकी यहाँ पर जो भी है पूरा करते हैं। और इसके साथ साथ बता देते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है ये भी बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में बता देते हैं कि जो पहला है आपको यहाँ पर डेली कम्युनिटी पोस्ट पर आपको डेली क्वेश्चन मिलेंगे, डेली क्वेश्चन हर एक घंटे पर, हर एक आधे घंटे पर, 15 मिनट पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर डेली कम्युनिटी पोस्ट पर। पहला तो ये रहा। दूसरी चीज़ है यहाँ पर शॉर्ट्स,
शॉर्ट्स पर जितना भी है, जितने भी शॉर्ट्स हैं, जितने भी स्थापत्य हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को स्थापत्य याद नहीं होता है, तो डेली आपको शॉर्ट्स मिलेगा और डेली शॉर्ट्स में जितने भी हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में आते हैं उसी के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ मिलेगा। वैसे तो रील्स आप लोग बहुत लोग देखते ही होंगे, रील्स तो देखते ही होंगे, तो रील्स के साथ साथ कम से कम शॉर्ट्स भी देखना शुरू करें तो उससे कम से कम आपको लर्न भी हो जाएगा। एक मिनट में क्या ही होता है, तो एक मिनट में तो आप लोग का टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो डेली अगर एक मिनट में देख लेंगे तो एक मिनट के साथ साथ डेली अगर आप लोग ने आदत बना ली है कि हाँ पाँच पाँच दस दस करके वीडियो डेली डेली देखा करेंगे तो आप लोग का मुझे लगता है कि ये शॉर्ट्स के शॉर्ट्स देखेंगे तो आप लोग का बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा स्थापत्य। ठीक है, अगर हम यहाँ पर तीसरी की बात करते हैं मॉक टेस्ट की, जो बहुत सारे स्टूडेंट मॉक टेस्ट भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, वो भी लेते हैं, तो मॉक टेस्ट भी आप लोग को डेली मिलेगा। ठीक है, तो डेली आपको मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा। फिर फोर नंबर की बात करते हैं चैप्टर वाइज रिवीजन, तो चैप्टर वाइज रिवीजन भी होगा तो उसमें भी कराया जाएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं फाइव नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका थ्योरी, थ्योरी के लिए भी बहुत बच्चे स्टूडेंट परेशान होते हैं, तो थ्योरी वाइज भी पूरे एकदम थ्योरी आप लोग को ऐसी थ्योरी देगा चाहे तो आप लोग चेक कर सकते हैं। आप जितना हो सकता है कि बस ये है कि हैंड रिटन नोट्स जरूर हैं, लेकिन आपका जो है पूरा थ्योरी बहुत अच्छी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कि आप लोग को बहुत अच्छे से लर्न हो सकता है। एक बार आप लोग देखेंगे तो देखते ही लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को जो है वो सब पूरा कराते हैं। बाकी यही कहूँगी कि जितना भी मैंने आप लोग को बताया है आप लोग इसका करिए। और रही बात लास्ट जो है NCERT, इसके बारे में तो बताना भूल गई, जिसका सभी लोग बहुत बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि मैम कब आए और NCERT पढ़ाना शुरू करें। तो NCERT का बता देते हैं कि इसका भी जो है यहाँ पर PDF जो है उसको वो भी दे दी जाएगी। बाकी यहाँ पर है NCERT का जो है पूरा बना लिया है कि PPT से आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा, अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा, तो आप लोग उससे अच्छे से पढ़ सकते हैं। कि बस उसी में ही थोड़ा सा लेट हो गया था, इसी वजह से नहीं करा पा रही थी। बस आप लोग थोड़े दिन का और वेट करें, बाकी थोड़े दिन का मतलब एक दो दिन का, बाकी यहाँ पर आपको NCERT भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पूरा बता दिया। NCERT भी UPDGT में आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो यहाँ पर कन्फ्यूजन वाले जो क्रिएट होते हैं कि कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग से है, कहाँ से शुरुआत हुई है, कहाँ से खत्म हुआ है, क्या क्या रहा है, क्या क्या विशेषताएं रही हैं, वो सब के सब कहाँ से मिलता है, NCERT से ही मिलता है। और NCERT करेंगे तभी हमारा कन्फ्यूजन दूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 9th-10th की जो है, सॉरी 9th-10th कह रही हूँ, 11th और 12th, ठीक है, 11th एंड 12th ये दो हैं, तो इन दोनों से आप लोग इसको इसकी बुक आप परचेस कर लीजिएगा, लेकिन जो जो ऑथेंटिक है वो वाली करिएगा। ठीक है, वैसे बहुत सारी प्राइवेट भी आती हैं, वो वाली भी मत करिएगा, जो ऑथेंटिक वाली है वो कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी यह तो यहाँ पर रही बात इसकी, पूरे आपको बता दिया है, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सिलेबस को देखिए, इस सिलेबस को अच्छे से देखिए, अपने कॉपी में नोट करिए और इसको उसी के अकॉर्डिंग तैयार करिए। ठीक है, तो आप लोग का 100% सिलेक्शन होगा। बाकी ओके, थैंक यू एवरीवन।